ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक बहुत ही बड़ा रेलवे ट्रैक बनाया था, जो कि मेरे कासल यानी कि मेरे घर से लेकर गया होता सीधा माइनशाफ्ट में, जहां पर मैंने एक्सपी फार्म बना रखा है। तो यार, इस रेलवे ट्रैक को बनाने में ना थोड़ा बहुत टाइम लगा था, बट यार बहुत ज्यादा बढ़िया चीज बनी है। और अभी मैं आपको ना दोबारा एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं और एक बहुत तगड़ा रेलवे स्टेशन भी बनाया है। और यार, लास्ट वाले एपिसोड में बहुत सारे लोग मुझे ना लकी बोल रहे थे, क्योंकि मेरे को जो डायमंड एक्स मिली है ना, उसको जब मैंने एनहांस करा था तो उसके अंदर एक ये लगी थी, फॉर्च्यून थर्ड। तो यार, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर अब मैं अपनी डायमंड पिकेक्स से किसी भी डायमंड ओर को तोड़ूंगा तो मुझे उसके बदले डबल डायमंड्स मिलने वाले। तो भाई चलो यार, बहुत ही बढ़िया सीन है। अभी ना यहां पर मैं अपनी डायमंड माइनिंग करने जाऊंगा, बट यार आज नहीं, क्योंकि यार आज मेरे को ना कुछ भी करके अपने घर पर विलेजर्स लाने हैं। और ये गोलम यहां पर के घूमते रहता है भाई, इधर तेरे को चौकीदार बनाऊं मैं, यहां पर इसको आने के लिए मैंने बोल रखा इधर 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 तेरी ऐसी की तैसी। वैसे यार, ये यहां से आ भी पाएगा, जंप मार भाई साहब, वैसे बड़ी तेज जंप मारते हैं, लेकिन आज जंप नहीं मार रहे। इसको मैं दूसरे वाले गेट से बाहर लेकर चलूंगा। तेरे को अंदर आने की परमिशन किसने दी है? इसको मैंने बोला कि बाहर के जितने भी ज़ॉम्बीज हैं ना, उसको मारा कर, लेकिन ये भाग भाग के अंदर आ जाता। फटाफट बाहर आ जा, आज के बाद अंदर दिख गया ना, डंडे डंडे पड़ेंगे यहां पर, इसके एक तलवार तो पड़ेगी तब ये भागेगा। अंदर मत चले जाइए आज के बाद, यहां पर पहले गेट बंद करो, वरना इसका कुछ पता नहीं है, भाग के कहीं दोबारा से अंदर आ जाए। वैसे यार, मुझे ना समझ नहीं आता, एक गोलेम आखिरकार मेरे घर के अंदर घुस कहां से जाता है। अब यार देखो, सबसे पहले ना एक काम करता हूं, विलेजर्स को लेने तो चलेंगे, लेकिन यार उससे पहले ना मैं आपको अपना जो रेलवे स्टेशन मैंने बनाया है उसको ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देता हूं। भाई बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में। तो गाइस यार, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, तो ये है अपना रेलवे स्टेशन, देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और आप लोग कह रहे हो कि लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ट्रैक था, और ये इतनी सारी पटरियां कहां से आ गई? तो देखो, मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर अभी टोटल चार रास्ते हैं। पहला रास्ता जाता है माइनशाफ्ट, जहां पर हमारा एक्सपी फार्म है, तो ये रास्ता ना पूरा कंप्लीट है, हम लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। और जो बाकी तीन रास्ते हैं ना, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी डिसाइड भी नहीं है कहां जाने वाले हैं। लेकिन हां, इन रास्तों को मैं उसी जगह पर ले जाऊंगा जहां पर मुझे जाने में दिक्कत होती है, या फिर जो जगह बहुत ज्यादा दूर है। तो भी फिलहाल ये तो मैंने पूरे मतलब कंप्लीट कर दिए हैं। अभी यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, ये वाली जो पटरी है भी डिसाइड नहीं है कहां पर जाएगी। तो चलो गाइस यार, हमने आपको मैं पूरा का पूरा लीवर का सिस्टम समझा देता हूं कि कैसे मैंने बनाया है। तो यहां पर देखो, दो ट्रैक है, एक राइट का एक लेफ्ट का है। तो अगर मेरे को लेफ्ट जाना है तो सही है, लेकिन अगर राइट जाना है तो यहां पर मैं लीवर दबाऊंगा और जो अपनी पटरी है वो राइट के लिए चेंज होगी, और फिर लेफ्ट जाना है तो वापस से चेंज कर दूंगा। अब देखो, अगर मैं इस तरफ से आता हूं और मेरे को बिल्कुल सीधा जाना है, तो यहां पर बस मैं इस वाले लीवर को चेंज करूंगा और ये वाली जो पटरी है यूं आएगी, फिर ऐसे यूं घूम के सीधा सीधा सीधा, और ये वाला भी चेंज कर देंगे, और फिर मैं सीधा अपना निकल जाऊंगा माइन शाफ्ट के लिए, ठीक है। अब लेकिन मुझे माइन शाफ्ट नहीं जाना, मुझे इस पटरी से आगे राइट जाना है। तो यहां पर मैं इसको यूं मोड़ूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, इसको यूं मोड़ूंगा, फिर ये यूं आएगी, इसको यूं मोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो पटरी है ये यहां से लेफ्ट चले जाएगी, और यहीं से अगर राइट जाना है तो इसको चेंज कर दो, ये राइट चले जाएगी। कर मतलब ना पूरा का पूरा तगड़ा सेटअप बनाया है, बट इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज होऊंगा स्टार्टिंग में, बट यार जो भी है, बहुत ज्यादा तगड़ी चीज बना दी, मतलब कि चार लीवर में ही पूरा का पूरा तगड़ा सेटअप कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और अभी जो अपना स्टेशन है मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो छोड़ो यार, ये तो बात की बात है, अभी ना अपना मेन काम पर ध्यान देते हैं। आज मेरे को कुछ भी करके अपने घर में विलेजर्स लाने हैं तो लाने। देखो यार, विलेजर्स को लाने के लिए ना या तो ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढना पड़ता है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी विलेजर को बोट में बिठा कर ले आओ, या फिर अगर आपके पास माइन कार्ट, आपने रेलवे ट्रैक वहां तक भेज रखा है तो हम लोग उसे माइन कार्ट में बिठा कर ला सकते हैं, बट यार वो जो चीज है थोड़ी सी बेकार है। तो एक काम करता हूं ना, पहले यहां पर मैं अंदर चलता हूं, और अभी ना मैं सबसे पहले एक बोट बनाता हूं, ठीक है। तो देखो यार, बोट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें कुछ वुड प्लैंक्स चाहिए और एक शॉवल चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, शॉवल भी बहुत ज्यादा आराम से बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास वुड जो है काफी सारा पड़ा हुआ है, और अब मैं यहां पर ना बोट भी बना सकता हूं, ठीक है। तो ये देख लो भाई, सिंपल है, ये वाली बोट भी मैंने बना लिया, एक बोट की जरूरत है मेरे हिसाब से। और तो कि गाइस यार, अभी ना मैंने देखो ना दो बोट बना लिया, क्योंकि मान लो बाय चांस अपनी एक बोट खो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें अपने घर पर ना वापस ना आना पड़े, या फिर क्राफ्टिंग टेबल दोबारा ना बनाना पड़े, इसलिए अभी ना मैंने दो बोट बना लिया टोटल। और अभी ना एक काम करते हैं, कंपास भी बना लेते हैं, क्योंकि यार आपको पता होगा जितने भी विलेज मेरे घर के आसपास है ना, उनके अंदर विलेजर नहीं बचे, तो अभी मेरे को विलेज ढूंढने जाना पड़ेगा बहुत दूर, तो मैं अपना घर ना भटकूं, इसलिए मैं कंपास बनाने वाला हूं। तो कंपास बनाने के लिए देख लेते हैं क्या करना पड़ता है। तो सिंपल सा लिखते हैं यहां पर कंपास, और यहां पर इसके लिए हमें चाहिए चार आयरन गॉड और एक चाहिए रेडस्टोन। तो मेरे पास चारों चीजें हैं, सिंपल। अभी फटाफट से यहां से थोड़ा बहुत आयरन गॉड लेते हैं, और यहां पर थोड़ा सा रेडस्टोन लेते हैं। रेडस्टोन मेरे को एक ही पीस चाहिए, तो मैं इतना सारा क्यों ले रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। यहां पर भी मैंने एक रेडस्टोन का पीस ले लिया है। अभी फटाफट से ना इसके अंदर डालते हैं रेडस्टोन, और चारों साइड रख देते हैं आयरन इंगट, ठीक है, सिंपल सा है। इसको रखा और ये बन गया अपना कंपास। अब इसको मैं इधर रख लूंगा, ताकि मेरे को ना अपने घर की जो डायरेक्शन है वो एकदम याद आते रहे, ठीक है। तो गाइस यार, अभी तो फिलहाल सब कुछ कंप्लीट हो चुका
चुका है, जो जो चीज की हमें जरूरत थी। तो अभी फटाफट से विलेजर्स को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। लेकिन गाइस अभी ना थोड़ी बहुत रात हो गई है, तो अभी जाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए ना आज सो जाते हैं। एक काम करता हूँ यार, आप लोगों ने कहा था जो मेरी डायमंड पिकेक्स है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है, तो एक काम करते हैं ना, इस डायमंड पिकेक्स को मैं पहले रिपेयर करवा लेता हूँ, क्योंकि यार लास्ट टाइम मैंने बहुत यूज करा था, हो सकता है कि यार खराब हो जाए, तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने एनविल बनाया, इसके अंदर अपनी डायमंड पिकेक्स डाली, यहाँ पर डायमंड डाला और ये होगी रिपेयर। और भाई 3 डायमंड लग गए, वाह भाई इतने ज्यादा डायमंड लगते हैं क्या? तो चलो भाई, मेरे पास अभी जितने भी डायमंड थे वो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ डायमंड नीचे संभाल के भी रखे हुए हैं, तो अभी उनका भी यूज करूंगा। और यार आपको पता है मैंने ना मतलब कि थोड़ी बहुत बुक जो है और बनाई थी, तो इन बुक्स का भी यूज कर देता, मतलब इन एनहेंस कर देते हैं। तो भी फटाफट से मैं अपने सीक्रेट वाले रूम के अंदर जाने वाला हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैंने अपना रखा हुआ एंचेंटमेंट टेबल, अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कोई ज़ॉम्बीज तो नहीं है ना भाई, लास्ट टाइम यहाँ पर आ गए थे ज़ॉम्बीज, बट आज कोई भी नहीं है। तो भी जल्दी से हम लोग यहाँ पर जो अपने मतलब वेपन्स को एनहेंस करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्या क्या एनहेंस करा था, रुक जाओ, मेरे को ना अपना हेलमेट भी बनाना है थोड़ा ढंग का। तो चलो भाई सबसे पहले ना जल्दी से इसके अंदर मैं डालता हूँ अपना हेलमेट। अपने हेलमेट में मतलब कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इसको लेता हूँ तो यार मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा ही बन जाएगा। तो पता नहीं यार गोल्डन वाले में मैंने कुछ ज़्यादा ही तगड़ा ना बना दिया। अभी फिलहाल जो भी है इसके अंदर क्या क्या है मुझे नहीं पता। इसके अंदर है प्रोजेक्टाइल प्रोडक्शन 4, भाई जो भी है तगड़ी चीज़ है तो बताना यार कमेंट में, मुझे तो अभी फिलहाल इतना नहीं मालूम। और यहाँ पर मेरे पास अभी 31 XP और बचा हुआ है, 10 XP यूज़ हो गया इसके अंदर। और अभी ना मैं अपनी सारी बुक को एनहेंस कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली बुक भी मैंने एनहेंस कर ली, इसको यहाँ पर संभाल के रखो। और ये वाली बुक डाली, इसको भी एनहेंस करते हैं जल्दी से। और ये वाली मैंने एनहेंस कर ली, इसको भी संभाल के रखो। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने अपनी सभी बुक्स को एकदम बढ़िया तरीके से एनहेंस कर दिया है। और यहाँ पर ना जल्दी से मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर अभी ना क्या क्या एबिलिटी आई है। तो आप लोग ना मुझे कमेंट में बताना कौन सी सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी, मैं आपको सबके नाम दिखा देता हूँ। और ये मैंने क्या कबाड़ बना दिया भाई, मैं ऊपर ही नहीं जा पा रहा, एक सेकंड। तो गाइस यार मुझे लग रहा है ना ऊपर जाने के लिए मुझे अपने घर में तोड़ताड़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी तोड़फोड़ करो और जंप मार के आगे आ जाओ। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा बहुत डायमंड संभाल के रखा हुआ आगे वाली चेस्ट में। तो गाइस यार अभी ना मैंने अपनी सभी बुक्स को एनहेंस कर दिया। और यार मुझे ना इंस्टाग्राम पर एक बंदे ने बताया था कि अगर आप एनविल में जाकर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पर जो है आप अपनी मतलब किसी भी चीज में और ज्यादा एनहेंसमेंट डाल सकते हो। तो देखो अभी ना मेरी डायमंड जो सर्ड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शार्पनेस है लेवल 1। तो यहाँ पर देखो एक है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, और ये फायर एक्सपेक्ट, और ये है स्किल टच, और ये है नॉक बैक, पता नहीं क्या क्या। शार्पनेस 2 डाल लेते हैं भाई, शार्पनेस 2 डालने से शार्पनेस 3 बननी चाहिए, क्योंकि 1 मेरे पे पहले ही थी बट यार 2 ही बनी है। और ये क्या है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 3। तो ये जो प्रोटेक्शन वाली है ना ये मैं सारी अपने आर्मर में डालूंगा। और एक ये फायर एक्सपेक्ट है, तो इसे हम डालेंगे अपनी डायमंड पिकेक्स में। तो डायमंड पिकेक्स के अंदर अगर मैं ये डालूंगा तो ये मतलब कि आर्मर के लिए, मतलब कि जितनी भी प्रोटेक्शन वाली है ना ये शायद से सारी आर्मर के लिए, तो ये इसके अंदर काम नहीं करने वाली, इसके अंदर भाई मतलब कुछ भी नहीं काम करने वाला। तो एक काम करता हूँ, जितनी भी प्रोटेक्शन वाली है ना इसको मैं अपनी चेस्ट प्लेट के अंदर डालता हूँ, चेस्ट प्लेट को इसके अंदर रखते हैं। और यहाँ पर मैं डालता हूँ प्रोटेक्शन, ठीक है? अब देखते हैं कुछ बना, भाई कुछ भी नहीं बना, एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको बना नहीं सकते क्या यार? मेरे को जहाँ तक पता है ऐसे काम तो करता है, अपनी डायमंड सॉल्ट भी मैंने करी है। तो गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये जो प्रोटेक्शन वाला है ना यार ये किस चीज़ में काम करता है, कौन से टूल में काम करता है। अभी देखो मेरे पास ना 6 बुक हो चुकी है लेकिन यार कहीं पर भी काम नहीं कर रही। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को रिपेयर कर लेता हूँ। चेस्ट प्लेट का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पर और क्या क्या है जो मेरा डैमेज पड़ा हुआ, सब कुछ ठीक है, बूट थोड़े से खराब हो रखे हैं। अभी बूट जल्दी से मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसको भी मैं फटाफट से रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है? अभी सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है, मेरे को अपनी पैंट बनाना है, उसको भी एनहेंस कर देंगे बाद में। तो चलो गाइस यार ऐसे करते करते रहेंगे ना तो दिन हो जाएगा। अभी फटाफट से आज हम लोग सो जाते हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं विलेजर्स को ढूंढने के लिए। विलेजर्स को ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक लेड चाहिए और साथ में मेरे को एक चाहिए रहेगा, देखो मेरे लेड तो पड़ा है ना, ठीक है? ये लेड है और साथ में मेरे पास एक बोट है। तो अभी जल्दी से हम लोग चले थे किसी विलेजर को ढूंढने। कंपास भी ले लिया है जिससे कि मैं बिल्कुल भी खोने नहीं वाला हूं। फटाफट से निकल लेते हैं भाई, जल्दी से अपने घोड़े से नहीं जाने वाला मैं, अभी जाने वाला हूं अपनी माइन कार्ट में बैठ के, ठीक है? क्योंकि माइन कार्ट से आपको पता है कितनी ज्यादा जल्दी हम लोग काफी ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। अब यार देखो दिक्कत की बात ये है ना कि जितने भी विलेज पे पहले मैंने लूट करी थी ना वहां पर कोई भी विलेजर्स नहीं है, वरना मैं जल्दी से ले आता, पास में ही है एक विलेज, बट यार वहां पर विलेजर्स ही नहीं है तो फायदा क्या। अब यार देखो मेरे को ना इस वाले रास्ते पर जाना है तो मेरे को सबसे पहले अपना ट्रैक सेट करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इधर से आता हूं तो मेरे को जाना है इस वाली पटरी पे, तो अगर मैं इसको इधर घुमा दूं तो काम नहीं होगा, फिर ये राइट चले जाएगी। रुक जाओ, इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा। अगर मैं इसको राइट घुमाता हूं, एक सेकंड, नहीं तब भी नहीं होगा। तो यहां पर अगर ये इस तरीके से आती है, फिर उसके बाद इधर मुड़ती है, फिर उसके बाद इधर मुड़ती है, तो अपना ट्रैक जो है पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी बस मेरे को ना इसके अंदर बैठना। अरे नहीं नहीं नहीं, उस साइड गिर मत जाइयो भाई, प्लीज। इसको मैं तोड़ देता हूं ना, एक काम करता हूं, तोड़ ही लो भाई, इतनी टेंशन ले रहा भाई इतना ज्यादा सिंपल काम में भी। फटाफट से वापस ऊपर चढ़ो और अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, बस अपनी माइंड कार्ड को ना इस साइड पर रखना है और यहां से आगे की तरफ मेरे को धक्का मारना है हल्का सा। तो चलो भाई, यहां पर अपनी जो माइंड कार्ड है ना चल पड़ी है, यहां से बस ऐसे राइट घूमेगी। मतलब कि ना देखो ऐसा नहीं है कि मेरा एक भी रास्ता काम नहीं कर रहा,
हम सारे रास्ते करेंगे बट थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाले हैं। तो ये देखो भाई, ये जो मेरा ट्रैक था ना, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा बहुत नहीं पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, आप लोग को नजर ही आ रहा होगा। बट यार मुझे ना कमेंट में जरूर बताना, इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। मतलब क्या, रेडस्टोन तुम देख पा रहे हो कितने सारे यहाँ पर मैंने रेडस्टोन टॉर्च लगाई है, और उतने यहाँ पर मैंने मतलब कि जो पावर ट्रेल होती है ना वो भी लगाए हैं। बट यार ये जो स्पीड है ना वो आ नहीं रही जो मैंने सोची थी, पता नहीं किस लिए। तो आप लोग एक बार ना कमेंट में बताना कि ज़्यादा स्पीड किस तरीके से आएगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं पहुँचने वाला हूँ सीधा अपनी माइन शाफ्ट के पास, लेकिन अभी ना मेरे को माइन शाफ्ट के अंदर नहीं जाना, मेरे को जाना है एक विलेज में। तो राइट साइड में ना एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, वहाँ पर एक विलेज मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, तो अभी ना वहाँ पर चलेंगे, वहाँ से एक विलेजर को लेकर आएंगे जल्दी से। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर ना अभी फिलहाल मेरी जो मतलब कि माइन कार्ट है थोड़ी सी स्लो हो गई थी, और ये देखो सीधा माइन शाफ्ट में जाने वाले। रुक जा भाई, प्लीज रुक जा, एक सेकंड रुक जा, इसको मैं रोक के रहूँगा भाई। ये तो बहुत तेज गई है नीचे, मतलब कि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगी। तो अभी फिलहाल जो अपनी माइन शाफ्ट थी ना वो तो नीचे के लिए निकल गई, लेकिन अभी मेरे को नीचे नहीं जाना, मैं अपना सीधा निकल लेता हूँ आगे की तरफ में। और भाई सब तेरी ऐसी तैसी, बेटा मैं खाना ज़्यादा लाया नहीं हूँ अपने साथ, तो मेरे को भूख लग सकती है, इसलिए पंगे मत ले भाई। स्केलेटन सच्ची में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, मुझे ना अपने साथ शील्ड लेकर आनी चाहिए थी, पता लगे किसी से फाइट हो गई तो शील्ड की जरूरत पड़ रही है। बट अभी मैं कुछ भी नहीं लेकर आया, खाना भी मेरे पास शायद से ज़्यादा नहीं है, और फालतू का सामान मैं भर के ले आऊँ, ये देख रहे हो, मतलब जिस चीज़ की कोई जरूरत ही नहीं है वो मैं पूरी भर कर लेकर आ रखा हूँ, मतलब क्या ही बोले। खैर छोड़ो, अभी जल्दी से आगे चलते हैं। बुक्स वगैरह ना मेरे को अपने घर पर रख कर आनी चाहिए थी, और यहाँ पर अभी तो मेरे को मेन विलेजर्स ही हैं। बट यार ये मैं नीचे कैसे उतरूंगा, अभी ये मैं पेड़ को तोड़ के ऊपर तो चढ़ गया हूँ, यार नीचे उतरने में दिक्कत होगी, मेरा मुंह टूटने वाला बहुत बुरे वाला। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे हम जंप मार दी मैंने, थोड़ी बहुत हेल्थ गई है, कोई नहीं, दोबारा से फिलअप हो जाएगी, अभी हमने पूरा खाना खा रखा है। अब आप लोग को ना सामने की तरफ में एक डेजर्ट दिख रहा होगा, तो भी फटाफट से ना मुझे इस वाले डेजर्ट के अंदर जाना है, और वहां पर मेरे को विलेज मिल जाएगा। तो भी जल्दी से काम करता हूँ, अपनी बोट को मैं यहाँ पर रखता हूँ और निकल लेते हैं सीधा उस वाले डेजर्ट के लिए जल्दी से। फटाफट बैठो बोट में। ओ भाई साहब, ये तो पानी में बहुत ज्यादा तेज चल रही है भाई, सच्ची में मजा आ गया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज चलेगी। अभी ना खाना भी सेट कर लेते हैं, अपना खाना खाते हुए चलेंगे, क्या दिक्कत है, जल्दी 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 भाई साहब। अभी तुम्हारा भाई फुल स्पीड में से भगाता हुआ लेकर जाने वाला है, और यहाँ पर ना भाई मतलब कि ना काफी ज्यादा अजीब सी जगह है। अब देखो यार, जो डेजर्ट पर मैं जाने वाला था ना वो डेजर्ट सामने की तरफ में आ गया है, और नीचे पानी में डॉल्फिन घूम रही है। एक बार ना ऐसे करके देखते हैं, ऐसे जो है ना व्यू ज्यादा अच्छा मिलता है, और डॉल्फिन देख लो कैसे सीटी बजा रही है भाई, कितनी ज्यादा बढ़िया है। और यहीं कहीं पर ना मैंने एक टाइम पहले विलेज देखा था, बट यार अभी ना मेरे को कोई भी विलेज इधर नजर नहीं आ रहा है। और ये पानी में क्या चीज़ है, एक सेकंड रुक जाओ यार, कुछ तो अजीब सी चीज मेरे को लग रही है, लकड़ी है। और यहाँ पर ये डॉल्फिन मेरे को कुछ कहेगी तो नहीं ना, कहीं पता लगे डॉल्फिन के नाम पे शार्क निकल जाए। तो भी जल्दी से ना मैं काम करता हूँ, अपनी बोट से उतरता हूँ, और फटाफट ना एक बार पानी के अंदर चलकर मैं देख कर आता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पर यार मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा जाने वाली है, मुझे लग रहा है पानी के अंदर हम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और यार ये क्या जगह है, मेरे को समझ नहीं आ रही, इसके अंदर मेरे को लग तो रहा है कि यार मैं मतलब कि ऐसी जगह पर कहीं आ रखा हूँ। और ये क्या, एक सेकेंड, ओ भाई इसके अंदर यहाँ पर कुछ फेदर है, और ये एक ट्रेजर मैप है, और अभी ना मेरी हेल्थ चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, इसको यहाँ रखो और जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी 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 भाई, सांस लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं निकल रहा हूँ बाहर, इतनी तेज क्या हेल्थ जा रही है भाई साहब, यहाँ पर बहुत तेज हेल्थ जा रही थी। अभी वापस से अपनी मैं बोट में बैठ चुका हूँ, जल्दी से यहाँ पर खाना तो नहीं खा पाएंगे, पेट पूरा भरा पड़ा है, और अभी जल्दी से वापस निकल लेते किसी डेजर्ट के लिए। और यहाँ पर जो मेरे को ट्रेजर मैप मिला है ना, इसका मेरे को यूज़ नहीं पता, एक बार कुछ चेक करता हूँ क्या चीज़ है। एक मिनट, अभी ये क्या है भाई साहब, इसके अंदर कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर ना कहीं पर एक जगह एक्स बना हुआ है भाई, ये कुछ समझ तो नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा सा ना देखो पानी आ रहा है, अगर मैं राइट में बढ़ूंगा तो क्या होगा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरे को पता क्या लग रहा है ना, यहाँ पर कहीं आसपास ना बहुत ज़्यादा खजाना है जो कि यार मुझे ढूंढना पड़ेगा। और वो देखो मैप में ना मेरी लोकेशन भी दिखा रहा है मेरी बोट की, वो देखो भाई कितना ज़्यादा सही तरीके का ये। अभी थोड़ा सा ना आगे चलता हूँ, क्या पता मैं उस खजाने को ढूंढ लूँ। ओ भाई यार बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन है, अभी ना मेरे को आप ना मैप में देख पा रहे हो मेरी जो मतलब लोकेशन है ना वो आपको नजर आ रही होगी मैप में मेरी बोट की। तो भी ना जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं, और यार देखता हूँ वहां पर मेरे को खजाना मिलता है या फिर नहीं। अभी तुम्हारे भाई को एकदम मस्त तरीके से ना रास्ता समझ आ गया है कि मेरे को खजाने तक कैसे पहुंचना है। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग इस मैप में देख पा रहे हो, जो एक्स वाली जगह ना मेरे हिसाब से यहां पर कोई खजाना होगा। तो भी जल्दी से चलकर देखते हैं, यहां पर ना मेरे को राइट मुड़ना है, मतलब कि पूरा यू टर्न लेना है, एक बार मैप में देखता हूं। हां ठीक है, अभी मेरे को ना यहां से अपनी बोट को पूरा एकदम सीधा भगाना है कुछ इस तरीके से। और ये मैप में बता रहा है कि सामने ही खजाना है, वही खजाने में क्या हो सकता है, क्या पता हमें बहुत सारा डायमंड मिल जाए, डायमंड यार गोल्ड मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि यार अभी गोल्ड की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो भी फटाफट चलते हैं आगे, और यहां पर इस जगह पर खजाना है, लेकिन यार यहां पर तो पूरी मिट्टी है, शायद से जमीन के अंदर होगा। तो चलो भाई, तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी मैप में जहां पर एक्स बना हुआ है ना उस जगह पर मैं आ चुका हूं। अभी फटाफट यहां पर ना खजाना ढूंढते हैं। तो देखो यार एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पर मैं खड़ा हूं, लेकिन यार यहां पर कोई भी खजाना नहीं है। मेरे साथ मेरे को लग रहा है ना कोई तगड़ा स्कैम हुआ है भाई, यहां पर कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रही है। एक काम करता हूं, मैप को अंदर रखता हूं, और यहां पर ना जमीन खोदना शुरू कर
कर देता हूँ, क्या पता जमीन के अंदर में खजाना मिल जाए, वरना अपने साथ स्कैम भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। बाकी यार जहाँ तक मुझे लग रहा है खजाना होना चाहिए, प्लीज़ यार खजाना मिल जाए, प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो भी फटाफट ना, यहाँ पर ये क्या हो गया, पत्थर आ गया क्या? एक सेकंड रुक जाओ। ओ भाई साहब नीचे कुछ अलग से पत्थर आए हैं भाई, यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ कुछ तो है भाई, जल्दी से तोड़ो जल्दी से तोड़ो। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी कोई चीज़, मतलब कि देखो यहाँ पर अभी ना नॉर्मल सैंड थी और यहाँ पर अभी जो है ना कुछ तगड़े से पत्थर आने लग गए हैं। ये देखो ये सारे के सारे पत्थर हैं, और ये देखो जो अपनी पिकैक्स है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 2 मिनट के अंदर ये सारे पत्थर तोड़ देगी। ये देखो भाई फटाफट से यहाँ पर ये सारे पत्थर मैं तोड़ते हुए चल लेता हूँ। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैंने इतने पत्थर तोड़े हैं ना भाई, पूछो मत। मतलब कि ये वाली जो डायमंड पिकैक्स है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इतनी जल्दी जल्दी इससे पत्थर तोड़ते हैं, पूछो मत। अब यार देखो फिलहाल जो रास्ता है यहाँ पर तो आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, और अगर आपको पता है कि यहाँ पर खजाना सही में होता है और मिलता है तो आप लोग ना मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। यार देखो मैंने तो यार बहुत ज़्यादा ढूंढा, एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पर जहाँ पर एक्स बना था, बट यार मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर दोबारा आकर यहाँ पर ढूंढूंगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी बोट को भगाता भगाता बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ अपने घर से, और अब जाकर मेरे को ना एक मतलब छोटा सा विलेज मिला है। अब जो विलेज मैंने पहले देखा था ना, ये वो वाला विलेज नहीं है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग विलेज है, मतलब कि उस वाले विलेज में इतनी बड़ी एक भी बिल्डिंग नहीं थी। अब यार मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गया, क्योंकि यार मैंने उसको ढूंढने के चक्कर में, मतलब यार वो जो खजाना था उसको ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहाँ चला गया, उसके बाद पूरा रास्ता ही भटक गया कि मुझे कहाँ पर जाना था। लेकिन यार मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाले विलेज में ना मेरे को मतलब कि विलेजर्स मिल जाएंगे, और उनको मैं अपनी बोट में बैठाऊंगा, और बोट में बैठा के कंपास का यूज़ करके, इसीलिए मैंने कंपास बनाया था ताकि मैं अपने ना घर का रास्ता ना भूलूं। तो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी बोट को जो वापस उठा, इस पे से उतरना पड़ेगा शायद से। ठीक है, यहाँ पर इस पे से मैं एक बार उतर जाऊँ, और ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए, मेरी बोट भी नीचे चलेगी, इनको मारना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसे की तैसे इतनी खतरनाक स्वॉर्ड है ना, मेरे से पंगे मत लेना। और वो ज़ॉम्बी तो देखो भाई गोल गोल घूमे जा रहा है पानी में जाके। अभी फटाफट से ना गाइस ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर ना मेरे को चेक करना है कि इस वाले विलेज में मतलब कि विलेजर्स हैं या फिर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर चेस्ट पड़ी है और इतना सारा खाना, ओ भाई साहब यहाँ पर इसके चेस्ट में ये सब फालतू की चीज़ें डाल देता हूँ, बाद में ले जाऊँगा, अभी इन सब चीज़ों का उतना यूज़ है नहीं। तो फटाफट यहाँ पर मैं इसे निकाल के रख देता हूँ। और ये मेरे को लिली पैड मिला था, लिली पैड भी नॉर्मली मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत सारा कॉबल स्टोन है, तो कॉबल स्टोन बाद में रखूँगा। जितनी भी ब्रेड है ना सारी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बस खाने की बहुत कमी है। तो अभी यहाँ से मैंने इसका सारा का सारा खाना चुरा लिया है, और यहाँ पर एक बुक भी इसके पास पड़ी थी वो भी चुरा लेता हूँ, और कॉबल स्टोन इसको दे देता हूँ उसके बदले। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर आपसे ज़ॉम्बी ट्रेडिंग ना करे तो आप उनके यहाँ पर उनके घरों में घुस के ट्रेडिंग जरूर कर सकते हो, बट ये है आपका मनचाहा खाना और आपकी मनचाही चीज़ तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, बाकी यार यहाँ पर काम की चीज़ें तो मिल जाएगी। और ये क्या होता है, इसको मैंने ना कभी तोड़ के नहीं देखा, इसके अंदर से क्या मिलता है, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा इसके अंदर से यही मिल गया, मेरे को पता नहीं क्या होता है ये, खैर छोड़ो जो भी है। अभी फटाफट से ना इसके अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर इसने एक यहाँ पर प्लांट लगा रखा है छोटा सा, और अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक तो ना रात हो गई है तो मुझे ना दिन होने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और ये क्या बना रखा है इसने भाई पता नहीं। तो गाइस अभी ना बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर रात हो गई, और जितने भी विलेजर्स हैं ना मेरे हिसाब से अपने घर में सोने चले गए हैं, तो देखो यार आज इनको सोने देते हैं, क्योंकि अगर मैं भी रात को ले जाऊंगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किसी भी विलेजर को अपने घर तक ले जाने में। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो विलेजर्स के पीछे ना ज़ॉम्बी पड़ चुके हैं, और भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की, इसको मैं अपने घर में लगाऊंगा भाई, ये मेरे को मस्त लग रही है। ये पूरे का पूरा स्टोन है क्या, एक किससे टूटेगा, अच्छा इससे टूटेगा एक ही बार में। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा मस्त आइटम मिला है मेरे को, वाइट ग्लेज्ड पता नहीं क्या है भाई, ये टेराकोटा भाई, ये कैसा नाम है भाई, मतलब मेरे को एक बार को लग रहा था मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बट एग्जैक्ट लिखा यही था। और यहाँ पर अभी मेरे को ना बहुत सारा ब्रेड मिल चुका है, और ये लोग भाई ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं क्या, ये देखो इनके पास रोटन फ्लैश कैसे पड़ा हुआ है भाई, लग रहा है ये लोग भी बहुत ज़्यादा पेलते हैं ज़ॉम्बीज़ को। और यहाँ पर कैट तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बैठ जा, मेरे पास फिश है तेरे लिए। वो भाई साहब बाहर से तो थोड़े तगड़े वाले ज़ॉम्बी आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो डायमंड स्वॉर्ड है ना उसके आगे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं टिकने वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर आज रात ना मैं इनकी रक्षा करने वाला हूँ, जितने भी यहाँ पर विलेजर्स हैं, और कल मैं इनको अपने घर पर ले जाऊँगा। और यार ये देखो यहाँ पर ना एक नहीं बहुत सारी कैट है, तो कैट्स मेरे से डरो मत, यहाँ पर मैं तुम्हें अपने घर लेने नहीं जाने वाला अभी, क्योंकि मेरे घर पर ऑलरेडी मेरी कितनी अच्छी कैट है। और ये देखो भाई साहब ये लोग इनको तंग कर रहे हैं, ओ भाई छोटी चिरांद भी है, ओ भैंस की टांग, ये तो मार रहा है उनको, तेरी ऐसे की तैसी छोटी चिरांद, अबे तेरे को नहीं मारा मैं भाई, छोटी चिरांद को देखो तुम, यहाँ पर बेचारे ज़ॉम्बीज़ का क्या हाल कर रहे हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना दोबारा से सुबह हो चुकी है, और मैंने ना पूरी रात इन सभी विलेजर्स की रक्षा करी है, और यहाँ पर सारे विलेजर्स लेकिन चले गए वो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, लास्ट टाइम मैंने यहीं पर देखे थे और मैंने किसी भी विलेजर को मारा नहीं है, और ना ही मैंने उन्हें भागने दिया है, लेकिन यार वो कहाँ पर चले गए मुझे पता नहीं लग रहा। अभी फटाफट ना देखो
यहाँ पर एक चेस्ट पड़ा हुआ है। इस चेस्ट के अंदर यहाँ पर एक कैक्टस का पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है कैक्टस, मैं नहीं लेने वाला। और अभी मैं ऊपर से गिर जाता, बाकी यार ये विलेजर्स कहाँ चले गए, कोई मेरे को बताएगा क्या भाई? कुछ नहीं समझ आ रहा, इतने सारे विलेजर थे यहाँ पर, कहाँ चले गए सारे के सारे? तो गाइस यार मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आ रही, लास्ट नाइट यहाँ पर इतने सारे विलेजर्स थे लेकिन यार आज मेरे को एक भी विलेजर नजर नहीं आ रहा, और ये रहा एक विलेजर। भाई साहब जी जल्दी से ना, अभी आप मेरी इस बोट में बैठिए और आपको मैं अपने घर पर लेकर चलने वाला हूँ। यार देखो अगर ना हम किसी भी विलेजर के आगे बोट रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैठ तो जाते हैं, बट यार ये पता नहीं बैठा ही नहीं यार। एक सेकंड रुक जाओ, एक और ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ट्राई और कर लेते हैं जल्दी से प्लीज। भाई साहब जी क्या कर रहे हो आप? ये यार ये पता नहीं क्या ब्रूइंग स्टैंड में लगा हुआ, मैं इसका ब्रूइंग स्टैंड ही तोड़ दूंगा, इसकी ऐसी की तैसी। अब ना कोई चीज रहेगी ना ये काम कर पाएगा फटाफट से। अभी इधर आ, इधर आ, इस बोट के अंदर बैठना तेरे को, और अगर तूने शाणापंती करी तो मैं तेरे को बहुत बुरे वाला मारूंगा। अरे डर के मारे कहां भाग रहा है, इसके अंदर बैठ, जल्दी से बैठ जा, जल्दी बैठ जा। ओ भाई फाइनली इसको मैंने बोट के अंदर बैठा लिया है, अभी जल्दी से ना इस बोट के अंदर मैं धागा डालता हूं। तेरी मार कौन रहा है? किसी ने तो मारा भाई। अच्छा यही मार रहा है मेरे को, एक सेकंड ये मारते भी हैं। अबे भागने का नहीं, भागने का नहीं भाई, कौन मार रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई यहाँ पर। अच्छा ये कैक्टस लग रहा है मेरे भाई, कैक्टस से हेल्थ भी जाती है क्या? मतलब वैसे एक्चुअली रियल लाइफ में तो जानी चाहिए, बट यार ऐसे जाएगी मेरे को पता नहीं था। तो भी जल्दी से भाई साहब जी, ये लास्ट बोट बची है मेरे पास, ड्रामे अगर तूने करे ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पर मेरी दूसरी वाली बोट कहाँ थी पता नहीं, कहाँ चलेगी यार, यहीं कहीं तो होनी चाहिए। तो गाइस यार मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार ये मेरे मतलब कि इस बोट के अंदर क्यों नहीं बैठ रहा भाई, प्लीज़ इसके अंदर बैठ जा, क्या तकलीफ आ रही है तेरे को? अगर कोई दिक्कत है, किसी चीज़ की कमी है यहाँ पर, तेरे को खाना वाना चाहिए मुझे बता, मैं ला कर दूंगा सब कुछ। यहाँ पर देख डायमंड पिकेक्स ही मेरी इतनी ज़्यादा तगड़े, दो मिनट में चीज़ें तोड़ के साइड कर देती है। और कहीं सर ये ब्लास्ट फर्नेस है क्या? मेरे को ना एक बंदे ने कहा था ब्लास्ट फर्नेस बना लो, और ये मेरे को कुछ वैसा सा ही लग रहा है। तो यहाँ पर ना जंगल डोर है, क्या चीज़ फेंकूँ यार, एक सेकंड कैक्टस फेंक के ब्लास्ट डोर उठाता हूँ यार। उठ जा भाई, ये उठा क्यों नहीं? अच्छा ये आ गया मेरे पे, अभी मैंने फटाफट से उठा लिया है। और कुछ और चीज़ भी ड्रॉप हो गई है, रोटन फ्लैश ड्रॉप करके बटन उठाता हूँ। तो गाइस सर अभी ना यहाँ पर मैंने देखो ब्लास्ट फर्नेस उठा लिया, और यहाँ पर ये स्टोन बटन थे वो भी उठा लिया। ओ भाई कितनी ज्यादा बढ़िया बात है, यहाँ पर ये हमारी बोट के अंदर बैठ गया भाई जल्दी से। अभी कोई भी दिक्कत नहीं करनी, कोई भी देरी नहीं करनी, फटाफट से भाई साहब जी मेरे पीछे पीछे आओ, इसको ना घसीट के अपने अपने पीछे लेकर चलना है। और यहाँ पर ना एक बारी मेरे को ना डिस्कनेक्ट करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नीचे उतारने के लिए ना शायद से मेरे को स्टोन लगाने पड़ेंगे इस टाइप से, आ जा आ जा। अबे भाई मेरे को खुद ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। और इसको ऊपर चढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा वो चीज़ तो मैंने देखी नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको इधर खींच के लाने वाला हूं, क्योंकि मैं इसको पानी से ले जाऊंगा ना भाई, बोट है अपने पास, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। फटाफट भाई जल्दी से आ जा जल्दी, यार ये मेरे को लग रहा है ना कि मैं इसे ले जा नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा दूर है। अगर ये यहां पर इतनी दिक्कत दे रहा है तो आगे चलकर भी दिक्कत देगा, तो प्लीज 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 भाई जल्दी से, अगर मैं एक बार एक को अपने घर पर ले गया ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे अगर मैं एक को ले जाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत है, सीधा एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली दो को ले जाते हैं अपने घर पर। लेकिन यार अगर अभी मैं दूसरे को लाऊंगा ना तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, पहले एक को ले चलते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो गाइस यार यहां पर इसको मैं पानी के अंदर तो लेकर आ चुका हूं, लेकिन गाइस एक दिक्कत हो गई है, ये कैट पता नहीं क्यों आकर बैठ गई। कैट प्लीज बाहर निकल जाए यार, क्या बोलूं मैं इस कैट को। और यहां पर मैं इस कैट को मार सकता हूं क्या? चलो भाई मर गई मर गई मर गई। अब जल्दी से मैं बैठ जाता हूं बोट के अंदर ताकि मैं इसको जल्दी से अपने घर पर लेकर चल पाऊं। और यहां पर एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा मेरा मतलब कंपास जिसको देखकर मैं इस बोट को जो है चलाने वाला हूं। और देखो जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा ना तब तक मैं अपनी बोट को स्पीड में भी नहीं चला पाऊंगा। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर अपनी बोट को जो एकदम भगाते हुए लेकर चलेंगे अपने घर पर। और जो मेरे घर की डायरेक्शन है वो कंपास में दिखा रहा है, राइट ये देखो। तो गाइस सर अभी ना मैंने अपना खाना खाकर पेट भी भर लिया, और विलेजर को मैंने अपने साथ बैठा लिया जो कि मेरे साथ सीधा चल रहा है मेरे घर पर। और अगर मैं अपने घर पर एक बार ही दो विलेजर को ले जाता हूं तो फिर वहां पर अनलिमिटेड विलेजर जो है बहुत ही ज्यादा आराम से हो पाएंगे। अब यार देखो मैं चाहता ना तो सीधा दो विलेजर को ले जाता, लेकिन यार अभी ना देखो दो विलेजर को ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, घसीटते हुए ले जाना पड़ता। बट अगर अभी मैं खुद बैठ के बोट चला रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा मेरे हिसाब से। तो अभी फटाफट से ना बस मेरे को एकदम सीधा जाते जाना है, एज मतलब कि जैसा कि ये कंपास मेरे को बता रहा है। तो अभी देखो कंपास की डायरेक्शन बता रही है, यहां पर मेरा घर है ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरे को अपनी जो है बोट को भगाते जाना है अभी। तो गाइस अभी ना कंपास के हिसाब से मैं अपनी बोट को जो है भगाता भगाता यहां तक तो लेकर आ चुका हूं, मतलब कि जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है ना मैं सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में भगाता जा रहा हूं। लेकिन यार अभी तक ना मेरे को कोई भी रास्ता ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि जहां पर मेरा घर हो। और बाकी यार वो देखो सामने से जो मेरा एक्सीफा मैंने अपने घर के ऊपर बनाया था ना वो मेरे को नजर आ गया। तो चलो भाई फाइनली मेरे को अपना घर जो है मिल चुका है। मेरे को पता है क्या लग रहा था कि कंपास जो है ना गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, बट यार आज से मुझे ये चीज कंफर्म हो गया है कि कंपास कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं दिखाता, मतलब कि जो डायरेक्शन इसने दिखाई थी ना एकदम एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में अपना घर जो है यहां पर नजर आ रहा है। और ये पानी में कूदता हुआ क्या जा रहा था भाई पीछे? अच्छा ये पत्ते जो है उड़ते हुए जा रहे हैं भाई, मतलब पत्ते नहीं है जो भी हो, इसके ऊपर ना हम लोग चल सकते हैं पानी में, तो ये चीज भी कभी कभार काम आ जाती है बहुत ज्यादा। तो अभी जो है तुम्हारा भाई फटाफट से इस वाले विलेजर को अपने घर के बहुत ज्यादा पास तो लेके आ चुका है। अभी फटाफट ना यहां पर मैं उतरता हूं, और यहां पर ना जल्दी से इसी वाली जो रस्सी है, रस्सी नहीं जो भी इसे कहते हैं लेड, इसको मैं कनेक्ट करता हूं और यहां पर से खींचते हैं। लेकिन यार इस तरीके से लाने के लिए ना मुझे पिस्टन चाहिए था, जो कि यार मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं आया हूं अपने साथ। तो एक काम करता हूँ ना यहाँ पर थोड़ी सी जमीन तोड़ता हूँ।
तो गाइस यार देखो, ये जो है ना यहाँ पर अटक चुका है, तो ना मेरे को अपने घर पर इसे ले जाने का पूरा ना रास्ता बनाना पड़ेगा, ताकि यार बीच रास्ते में ना कोई भी दिक्कत ना हो। और भाई किसी ने तो मारा है, किसी ने तो अटैक करा है मेरे ऊपर, मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्यों। तो चलो भाई अभी ना जल्दी से इसे मैं खींचता हुआ अपने घर पर लेकर चल लेता हूँ। और ये यहाँ पर बार बार ये रस्सी किस लिए टूट रही है, इन जालों की वजह से ना ये रस्सी टूट जा रही है। तो यहाँ पर जितनी भी झाड़ थी ना मैंने सारी की सारी यहाँ पर हटा दी है, और पहले सोच रहा हूँ ना एक बार पूरा ढंग से रास्ता बना लूँ, लेकिन यार फिर पता चले ये गायब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे को, क्योंकि भरोसा नहीं है, क्या पता ये उतर के चले जाए, तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। अबे यार ये रस्सी टूट क्यों जा रही है, वापस से सारी की सारी कलेक्ट करता हूं, पता लगे सारी खत्म हो गई, तो फटाफट दोबारा से एकदम आराम आराम से आ जाओ भाई। मैं भी ना धीरे धीरे चलने वाला हूं, क्योंकि मैं जब तेज चलता हूं ना तो ये स्लो जाता है और फिर ये आ नहीं पाता। तो चलो गाइस यार अभी ना थोड़ा सा रास्ता और रह गया, तो जल्दी से मैं यहां पर इस बोट को भगाता भगाता अपने घर पर लेकर चल लेता हूं। और यार देखो ना यहां पर पानी से भी थोड़ा बहुत रास्ता था, काश यार ये मेरे को पहले दिख गया होता तो आज इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो जल्दी से आ जा भाई, ड्रामे मत कर, अगर मैं जंप मार के खींचता हूं ना तो ये फिर बहुत ज्यादा स्पीड में आता है कभी कभार, बट यार अभी ऐसा नहीं हो रहा। जल्दी आ जल्दी, आगे तो पानी है, आगे का मैं वैसे ही देख लूंगा, तैरा कर ले जाऊंगा इसे। लेकिन यार अपना जो घर है वो राइट में है, और मैं इसे थोड़ा सा गलत लेकर आ चुका, और मेरे घर के पीछे तो एक नदी है ना, तो शायद से वो यही वाली नदी है। तो भी जल्दी से इस मैं बोट को पानी में खींचता हूं, एक बारी बस पानी में आता। चलो भाई अपना काम कंप्लीट हो गया, अब ना मेरे को जल्दी से अपनी बोट में बैठना है वापस से। और फटाफट अबे बैठ जा भाई, प्लीज बैठ जा, मैं बोट में क्यों नहीं बैठ पा रहा हूं, एक सेकंड। चलो फटाफट से मैं अपनी बोट में बैठ गया हूं, और यहां पर जो अपना घर का रास्ता है वो ये रहा, मतलब कि ये वाली जो रिवर है ना ये मेरे घर के पीछे जाती है, और ये चीज मुझे मालूम ही नहीं थी अभी तक, वरना यार मैं इसको ना पानी का रास्ता बनाकर ही लेकर आता। और स्पाइडर जी हट जा, मेरे को अभी ना बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं अभी बहुत सारे बंदे मार दूंगा, इतना ज्यादा गुस्सा है। अभी फटाफट से मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। अब देखो अपने घर के पीछे जाने के बजाय ना अपने घर के आगे से ही मैं इसको ऊपर लेकर चलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब कि फिर अपने जो घर का गेट है ना वो आगे की तरफ से है, बाकी पीछे की तरफ से मैं गेट बना सकता हूं, मतलब कि फिर ना थोड़ी बहुत तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी। तो अभी जल्दी से मैं इसको ऊपर चढ़ाता हूं, सबसे पहले यहां पर कुछ इस टाइप से। तो जल्दी से ऊपर आ जा भाई, एक सेकंड यार ये ऊपर आने को राजी नहीं है। जंप मार भाई, ये जंप क्यों नहीं मार रहा, एक सेकंड पहले से जमीन पे लाना पड़ेगा क्या शायद से, हाँ पहले से जमीन पे लाना पड़ेगा तभी आगे आएगा। रुक जाओ, जमीन जमीन जमीन, इसको तोड़ो यहाँ पर। और अभी तो यार ये फिर से पानी में हो गया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी से और आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा। तो चलो गाइस यार बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद यहाँ पर मैं इसको जमीन पर लेकर आ चुका हूँ, और यार अब ना बस मेरे को इसे ऊपर चढ़ाना है। अब एक तो देखो यार रात भी इतनी ज्यादा हो रही है, ऊपर से बारिश भी कम नहीं है, बारिश को भी अभी होना है। तो गाइस यार अभी ना मैंने एकदम सही तरीके से एकदम ढंग से सेटअप कर दिया, और मेरे हिसाब से ना इस बार जो ज़ॉम्बी है वो जंप मार के ऊपर आ जाए बस, मतलब ज़ॉम्बी नहीं जो अपना विलेजर है, मैं पता नहीं से क्यों बार बार ज़ॉम्बी बोल रहा हूँ। और भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ऊंची जंप मार के ऊपर आ गया है, और साथ में शीप कब आकर बैठ गई, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। भाई साहब यहाँ पर एक और विलेजर आकर बैठ जाता है इससे बढ़िया, मतलब कि ज़ॉम्बीज भी होता है कभी कभार आके बैठ जाते हैं, तो उनको तो फिलहाल मैं मार के भगा दूंगा। और भाई जल्दी जल्दी चला ले यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अबे यार इसकी ऐसी की तैसी, अगर मेरे पे पानी होता ना तो मैं थोड़ा सा शायद से स्पीड में चला सकता था, लेकिन अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और यहाँ पर अभी जो मेरा घर है ना वो आ चुका है, एक काम करता हूँ ना इसको यहीं से अंदर एंटर करवा देते हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है भाई कब में फैंटम आ जाए, कब में कोई आ जाए, और यहीं पर मेरा जो काम है वो फेल हो जाए मतलब की। तो भी फटाफट ना यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ें जो है बनाई थी मैंने तोड़ता हूँ। तो चलो गाइस यार फाइनली इस विलेजर को मैं अपने घर में लेकर आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है लेकिन यार जैसे तैसे मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप लोग। तो भाई साहब अभी तू और अंदर चल, तेरे को और अंदर ले जाना है। लेकिन यार जो भी हो ये मेरे ना घर में आ गया है, और यहाँ पर अभी इस जगह पर मुझे ज़ॉम्बीज से कोई खतरा नहीं है, बट फैंटम से खतरा है भाई, क्योंकि वो एयर अटैक करता है बहुत खतरनाक वाला। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली मैं विलेजर को अपने घर के अंदर भी लेकर आ चुका हूँ, और अभी ना फटाफट से इसको मैं पीछे की तरफ लेकर चल रहा हूँ। और देखो अगर ये कहीं पर भी अटकता है ना तो सबसे सिंपल ट्रिक है, कॉबल स्टोन रखो दो, उसके ऊपर जंप मारो। पिस्टन और लीवर वाला जो सीन है ना मैंने देखा था, बट यार मेरे को ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा, मैंने ये ना रैंडमली खुद से ट्राई करा, तो मेरे को ये वाला तो ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर नीचे जाना हो तो तुम्हें मतलब कि अपने साथ पिकेक्स रखो, और मतलब जो भी मतलब एक्स होता है ये सब अपने साथ रखो, तोड़ के नीचे ले जाओ। अगर ऊपर लाना है तो यहाँ पर सीधा कोबल स्टोन रखो, उसके ऊपर जंप मार के पीछे कूद जाओ, हेल्थ भी नहीं जाती यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट कैसे होता है यार, एक तो मेरे को पता नहीं। ओ मैंने उसके मार दिया भाई गलती से, नहीं नहीं यार मेरे को मारना नहीं, और ये डिस्कनेक्ट क्यों नहीं, और ये रॉप मेरे से थोड़ा सा तेज भागता हूँ ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो चलो भाई बहुत सही सीन है, अभी ना फटाफट ना यहाँ पर मैं इस विलेजर के लिए ना मतलब कि अभी छोटा सा एकदम वैसे एकदम परफेक्ट नहीं बना रहा, एक छोटा सा घर बना देता हूँ जिसके अंदर ये आज रात के लिए रुक जाए, कल मैं इसके लिए बहुत ज्यादा तगड़ा घर बनाने वाला हूँ, आप लोग देखते रह जाओगे। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना ये मतलब मैंने थोड़े टाइम के लिए इसका घर ये वाला जो है बना दिया है, और यहाँ पर भी ना मेरे को जल्दी से एक छोटा सा गेट लाकर लगाना है, ताकि ये यहाँ से ना बाहर भी ना निकल पाए। तो यहाँ पर इसको बंद करते हैं, और इसके अंदर इसका बेड लगाना भी इंपॉर्टेंट है क्या, पता नहीं यार ये खुद लगा लेगा अगर इसे आता होगा। तो जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं ना एक गेट लाकर लगा देता हूँ ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकले, और इस ज़ॉम्बी को मैं सबसे पहले ना बोट से अंदर भी ले जाऊँगा, मतलब पूरा इसको एकदम कमरे तक छोड़ के आएंगे। तो हाँ गाइस ऊपर मैं आया था आयरन डोर लेने के लिए, तो ये है वो आयरन डोर, और यहाँ पर ना मेरे को एक बटन चाहिए, तो आयरन बटन होता है, ऑक बटन होता है,
दोनों काम करेंगे मेरे हिसाब से, पता नहीं, एक बार ट्राई कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल, एक मेरे पास ना स्टोन का बटन है और मेरे पास एक ऑक बटन है, तो दोनों बटन यूज करके देखेंगे, अगर जिससे काम हो जाए वो ज्यादा बेटर है। अभी फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं बैठने वाला हूँ बोट में और मेरे को ना शिप को मार के भगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो शिप है ना पता नहीं कहाँ से आके बैठ गई, तो मैडम जी आपको इन्वाइट नहीं करा था, सिर्फ उसे विलेजर जी को बुलाया था। तो भी फटाफट ना इसको मैं अपने घर में लेकर चलता हूँ और अभी मेरे को कुछ इस टाइप से चला चला कर ले जानी पड़ेगी। मुझे पता है बहुत ज्यादा स्लो है, अगर मान लो इस स्पीड में मैं लेकर आता तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। अभी फटाफट ना इसको मैं अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर नहीं जाएगी यार, थोड़ी बहुत तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी दोबारा से। ये लकड़ियाँ दो मैं तोड़ देता हूँ, और ये इतना ज्यादा टाइम किस लिए लग रहा है टूटने में, मैं एकदम सही टूल से तो तोड़ रहा हूँ ना, पता नहीं यार ये इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, मेरे हिसाब से इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। अभी फटाफट मैं इसको अपने घर के अंदर तो लेकर आ चुका हूँ, बोट को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़ा करता हूँ और पहले यहाँ से उतर जाता हूँ। वो मेरी हेल्थ जा रही है, वो शिट 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 कुछ तो तोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ पर एक पत्थर तोड़ो भाई साहब, यहाँ पर मेरी हेल्थ जानी पड़ गई थी, मतलब कि जो मेरा मुंह है ना इसके अंदर बढ़ गया था इन पत्थरों में। सॉरी तेरे को नहीं मार रहा मैं भाई, गलती से मेरा हाथ चल गया तेरे ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं मारूंगा भाई, इतनी ज्यादा मुश्किलों से लेकर आया हूँ और उसके मुंह पे मैंने एक्स मार दी, वाह। तो अभी फटाफट से ना इसका गेट यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। ओ भाई ये कहाँ लग गया, एक सेकंड इसको तोड़ो पहले फटाफट, दोबारा से कलेक्ट करो। और यहाँ पर जो मेरे पास ये है इसको यहाँ पर मैं पहले लगाता हूँ, एक दो, और ये इतना कर दिया मैंने कंप्लीट। और जो अपना आयरन गेट है उसको मैं लगाने वाला हूँ इस जगह पर कुछ इस टाइप से। तो चलो भाई अपना आयरन गेट लग गया, और आयरन गेट खुलता है बटन से, तो बटन यहाँ पर लगाया और ये देखो ये गेट काम करने लग गया बढ़िया तरीके से। अब एक काम करता हूँ इसको अंदर रहने देते हैं, और भाई दो दो बटन लग गए यार, इसको तोड़ो पहले। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, रुक जाओ, ये वाला बटन दबाया, और जो इसकी बोट थी जिसमें मैं इसको लेकर आया था वाली बोट भी मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ। तो चलो भाई फाइनली अपने घर पर एक विलेजर आ चुका है, कल हम लोग दूसरा वाला विलेजर ले आएंगे। और यहाँ पर बाहर निकलने के लिए भी बटन लगाना पड़ता है क्या, वो तेरे को तो नहीं आता ना बटन दबाना, पता लगे बटन दबा के बाहर निकल जाए और फिर अपने घर निकल ले सीधा। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 3 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग प्लीज यार जल्दी से जाकर लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस यार मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोल डाला था, वहां पर मैंने 4 गेम्स के ऑप्शन दिए थे, तो वहां पर आप लोग जाकर गेम्स को वोट कर सकते हो कि मुझे नई गेम प्ले सीरीज कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए। वहां पर आप जाओ वोट करो, वही गेम फिर मैं खेलूंगा। तो जल्दी से आओ, ट्विटर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लेना, तीनों चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।